بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين मोहतरम मुशाहिदीन किराम, मुअज्जज साथियों, प्यारे दोस्तों और भाइयों, माओं और बहनों, तमाम किस्म की हमद, बड़ाई, किब्रियाई अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए है जो सारी कायनात का मालिक और सारे जहान का खालिक है। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो प्यारे हबीब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। मोहतरम मुशाहिदीन किराम, अजीज साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, आज की इस मुख्तसर सी नशिश्त में, आज इसी हिजरी कैलेंडर का जो महीना हमारे सर पे साया फगन है, रजब का महीना, इस माह रजब के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने कुरान हदीस की रोशनी में पिछली नशिश्त में की गई थी कि इस महीने की हकीकत इस्लाम की नज़र में क्या है, और मुख्तसरन कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात बताई गई थी कि ये हुर्मत के उन चार महीनों में से एक है जिसका अदब व एहतराम, लड़ाई झगड़ा खसूसी तौर पर इन दिनों में जमाने जाहिलियत में भी रोक दिया करते थे लोग, और उसी चीज को इस्लाम ने बरकरार रखा। इसलिए खसूसी तौर पर इस महीने का अदब और एहतराम, इस हुर्मत के का महीना जो कुरान में अल्लाह ने कहा और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह फरमाया कि यह रजब का महीना हुर्मत के उन चार महीनों में से एक है, यानी यह महीना उन महीनों में से है जिसमें खसूसी तौर पर गुनाह के काम करने से इंसान को रुक जाना चाहिए, और खुसूसी तौर पर इसमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ये पैगाम है इस महीना के आते ही, खुसूसी तौर पर यह पैगाम अमूमी तौर पर हर महीने में तमाम गुनाहों से बचना यह एक मुसलमान के लिए ऐन फरीजा है, लेकिन खुसूसी तौर पर इन महीनों में इन चीजों से, यानी गुनाह के कामों से, अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी से बचना ये अजहद जरूरी हो जाता है। मुअज्जज और मोहतरम मुशाहिदीन किराम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी, हुक्म मानना, यही नेकी का काम है। जिन चीजों से उन्होंने रोका उससे रुक जाना, यही बुराई से रुक जाना है, गुनाह से रुक जाना है। इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों के, जिन कामों के करने का हुक्म दिया, वही अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी है, और जिन चीजों से रोक दिया उससे रुक जाना ही, यह भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में शामिल है। और इताअत सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के किसी और का हुक्म इताअत करने का, फरमाबरदारी करने का, हुक्म मानने का नहीं दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा कुरान ये मिशाले राह है, नबी की सुन्नत यह हमारे लिए अमली नमूना है, और यही इताअत और फरमाबरदारी ही इंसान की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी और उखरवी जिंदगी की कामयाबी का सिर और राज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, हदीस में आता है कि तरक तुफीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबिल्लाहि व सुन्नति, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, और वो अल्लाह की किताब कुरान करीम है और मेरी सुन्नत है, इसको पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इस दिन की हिफाजत की, सुन्नत में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी बातों को मंसूब करना
और जिन्होंने किया उसका एक पैमाना और एक सुन्नत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीने किराम का एक मजमूआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में तैयार किया, जिन्होंने इन तमाम चीज़ों पर कि कौन सी चीज़, कौन सी हदीस खरी है और कौन सी खोटी है, यानी कौन सी बात लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ नबी की तरफ मंसूब कर दिया है और कौन सी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से साबित और सही बात है, इन चीजों को बताने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि सही और ज़ईफ, मुनकर और मौजू, ये तमाम चीजें वाज़ह हैं इस्लाम के अंदर कि ये नबी की बात है और ये हदीस सही नहीं है, ये ज़ईफ़ है, ये हद दर्जा ज़ईफ़ है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बातें कह करके इस्लाम में आमेजिश की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें वाज़ह और आया हैं कि कौन सी बात लोगों की बनाई हुई है और कौन सी बात उस नबी की बनाई की कही हुई है जिसको अल्लाह ने पैगंबर और आखिरी पैगंबर बना के भेजा, जिनके पास जिब्रील अमीन आया करते थे, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कौन सी बात है। आपकी कही हुई, आपकी बताई हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़आल और अमाल और कौलो किरदार, यही सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इसीलिए कहा कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कह दीजिए ऐ नबी अल्लाह की इताअत करो, फरमा बरदारी करो, रसूल की पैरवी करो, और अगर वो इससे मुंह फेरते हैं, किसी दाएं और बाएं की तरफ जाते हैं, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कुफ्र करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी, अल्लाह की कलाम, अल्लाह के कलाम के कुरान मजीद और इसी तरह नबी के फरमान अहादीस सहीहा पर जो अमल ना करके दाएं और बाएं पर अमल करता है, दूसरी बातों पर, आमेजिश की हुई बातों पर अमल करता है, तो वो भी इस कटघरे में दाखिल है और वो नबी की सुन्नत की पैरवी, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी नहीं समझी जाएगी। मोहतरम मुशाहिदीन इकराम, इस माह रजब के ताल्लुक से नबी की सुन्नत और सही बात क्या है? अल्लाह का शुक्र है कि दीन इस्लाम के अंदर खरे और खोटे की तमीज के लिए जो मीजान बनाया गया, मुहद्दिसीन ने बनाया, सलफ ने बनाया, उस मीजान और उस पैमाने के एतबार से कौन सी बात बनाई हुई है और कौन सी बात नबी की सही बात है, इनको परखने का मलिका इसी मीजान और इसी पैमाने से मिलता है। रजब के इस महीने में रोजा रखना या दीगर इबादत, खसूसी इबादतें, इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें मनगढ़ंत या अपनी तरफ से बना ली गई हैं, उसकी फजीलत को बयान किया जाता है या फजीलत समझ करके इस महीने में खसूसी रोजे वगैरह रखे जाते हैं या और नमाजें जो खसूसी पढ़ी जाती हैं, रातों को जागा जाता है, ये सब के सब नबी की सही हदीस से साबित नहीं है। इसी के ताल्लुक से चंद बातें और सलफ की बातें मैं आपके सामने नकल करूंगा, इसलिए कि हकीकत में इस्लाम की नजर में जो बात बता दी गई कुरान और हदीस की नजर में, इस रजब के महीने को हुरमत के चार महीनों में शुमार किया गया है। इसमें खसूसी तौर पर इस महीने का अदब एहतराम ये है कि इसमें गुनाहों से बचें और नेकियां करने की कोशिश करें, गुनाहों से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा और तमाम चीजों से, इस महीने के खसूसी आदाब में से है कि इसका अदब एहतराम करते हुए इन चीजों से बचें। लेकिन जायद अपनी तरफ से किसी खास इबादत का इस महीने से जोड़कर सवाब की नियत से इस महीने में इस काम की या इस इबादत का ज्यादा सवाब है, वो कहीं भी नबी से साबित नहीं है। इस ताल्लुक से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं मजमूल फतावा में, वो कहते हैं कि रजब के महीने में रोजा रखना खसूसी तौर पर फजीलत समझते हुए अजर व सवाब इसमें ज्यादा है, इसके ताल्लुक से जितनी भी हदीसें वारिद हैं कहा कि सब के सब ज़ईफ हैं, और ज़ईफ ही नहीं बल्कि कहा उन्होंने कहा बल मौजू है, सारी हदीसें मौजू और मनगढ़ंत बनाई हुई हदीसें हैं, लोगों की अपनी तरफ से इसके ताल्लुक से बना लिया आमेजिस इस्लाम से मुसलमानों को दूर करने के लिए, ताकि सुन्नत को जब छोड़े बिदात उसकी जगह ले ले। तो बिदात को ज्यादा से ज्यादा तरवीज की गई एक जमाने में, और सुन्नत से दूर और नबी की हकीकी तौर पर पैरवी करने से दूर करने की जो कोशिशें रही हैं, उन्हीं कोशिशों और उन्हीं काविशों का
ये नतीजा है कि रजब के इस महीने में भी ज़ईफ और मौजू और मनगढ़ंत हदीसें इस महीने के ताल्लुक से जो है गढ़ी गई और नबी की तरफ उसको मंसूब किया गया। जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं कि सारी की सारी हदीसें ज़ईफ हैं, या ज़ईफ ही नहीं बल्कि मौजू हैं, और अहले इल्म ने उलमाए इस्लाम ने उसमें से किसी भी एक हदीस पर एतमाद नहीं किया है, इसलिए कि उस पैमाने पर जो नबी की हदीस सही हदीस और लोगों की बनाई हुई मौजू और मनगढ़ंत बातें जो हदीस कह करके नबी की तरफ मंसूब कर दी गई हैं, वो जो पैमाना असलाफ ने बनाया, मुहद्दिसीन ने बनाया, उस पैमाने से ये सारी बातें वाजे हो जाती हैं कि सब की सब हदीसें ज़ईफ और मौजू और मनगढ़ंत हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा इसी तरह से कि 27वीं रजब की 27वीं तारीख को रोजा रखने के ताल्लुक से, या और इसी तरह से उस रात को 27वीं की रात को जो इसरा और मेराज की रात कहा जाता है, हकीकत उसकी ये नहीं है, इस तरह मंसूब करके कहा था कि इसरा और मेराज की रातें हैं और उस रात को ज्यादा से ज्यादा इबादत किया जाता है, उस दिन में रोजा रखा जाता है, उसके ताल्लुक से उन्होंने कहा कि 27वीं रजब का रोजा और उस रात का क्याम करना और खास करके 27वीं रजब के रोजे को फजीलत के एतबार से ज्यादा सवाब के एतबार से रखना और उस रात को जाकर के इबादत करना, ये खसूसियत के साथ कहा ये बिदअत है, ये बिदअत है, इसलिए कि नबी ने ऐसा नहीं किया। हाँ, रोजा आप रखिए लेकिन इस नियत से नहीं रख सकते, रोजा कभी भी रखें, या इस महीने में रोजा रखने से मना नहीं है लेकिन इस महीने में रोजा रखने की फजीलत अगर समझते हैं तो ये बिदात होगी, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे वकुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदात गुमराही है, हर बिदात गुमराही है। हफीज इब्ने हजर रहमहुल्लाह अपनी किताब तबीनुल उजब बिमा वरद फी शहर रजब के अंदर कहते हैं कि लम यरिद फी फद्र शहर रजब वला फी सियाम शैइन मिन्हु मुअय्यन, कि रजब के महीने की कोई फजीलत और ना ही इस रजब के महीने में रोजे की कोई फजीलत नबी से साबित है, कहा कि कोई ऐसी चीज हदीस से साबित नहीं है, ना ही किसी खास दिन का रोजा रखने की फजीलत साबित है, ना किसी खास मखसूस रात को रोजा रखने की फजीलत साबित है, और किसी सही हदीस से साबित नहीं है, या ऐसी हदीस हो ज़ईफ हो जो फजाइल में वो हुज्जत मानी जाए, कहा ऐसी फजाइल हद दर्जा ज़ईफ है जो फजाइल में भी उसको नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह से उन्होंने मजीद बयान करते हुए कहा हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तबीनुल उजब बिमा वरद फी शहर रजब में कहा कि सरीह और वारिद हदीसें जो रजब महीने की फजीलत या उसके रजब महीने में रोजे की फजीलत के ताल्लुक से जो कुछ भी वारिद हुआ है, कहा कि वो दो किस्म की हदीसें हैं, वो दो किस्म की हदीसें हैं, या तो वो ज़ईफ हैं या तो वो मौजू और मनगढ़ंत हैं। ज़ईफ हैं तो हद दर्जा ज़ईफ हैं जो फजाइल में भी उसको नहीं लिया जा सकता, इसी तरह से मौजू तो मौजू ही है यानी मनगढ़ंत, अपनी कोई बात कह करके नबी ने इस बात को कहा, इस तरह से जो मौजू हदीसें और मुनकर हदीसें अहदीस जो है नबी की तरफ मंसूब की गई है, कहा कि मौजू और मनगढ़ंत, अपनी कही हुई बात को नबी ने कहा ये मंसूब कर देना, ये उन्होंने कहा कि ये दो किस्म से खाली नहीं है, या तो ज़ईफ हैं या तो मौजू और मनगढ़ंत हैं। इसी तरह से इसके ताल्लुक से चंद बातें जो बड़ी आम हैं, लोग इसको करते हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, जो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जो मुस्नद अहमद की एक रिवायत और शुएब अरनऊत ने रहमहुल्लाह ने इस हदीस को भी उसकी सनद हद दर्जा ज़ईफ कहा है कि जब रजब का महीना आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह मबारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह हमारे लिए इस रजब और शाबान के महीने में बरकत दे और रमजान के महीने तक हमें पहुंचने की तौफीक दे, कहा यह हद दर्जा ज़ईफ हदीस है, हद दर्जा ज़ईफ हदीस है। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के बाद सिवाय रजब और शाबान के महीने के अलावा किसी और महीने में ज्यादा रोजा नहीं रखा, यानी रजब के महीने में आपने कसरत से रोजा रखा, कहा यह भी हद दर्जा ज़ईफ है। अबू बकर अत-तर्तुशी रहमहुल्लाह अपनी किताब अलबाइस अला इनकार अल-बिदअ वल-हवादिस के अंदर कहते हैं कि रजब के महीने में रोजा रखना यह बिदअत है, और यह कहा कि तीन वजह है इसके कि बिदअत है। पहला कहा कि अगर मुसलमान हर साल, जैसा कि लोग करते हैं, हर साल रजब के महीने में रोजा रखने की फजीलत अगर खास करते हैं कि खास रजब के महीने में नफली रोजा रखना ज्यादा से ज्यादा, तो कहा या तो वह रोजा या तो
रमजान के महीने जैसा फर्ज की अहमियत रखता हो, या तो वह सुन्नत रोजा हो जो सही हदीस से साबित हो, या तो वह रोजा दीगर महीनों में रोजा रखने की, इस महीने में रोजा रखने की फजीलत ज्यादा उसको समझ करके रखते हो। कहा ये तीन चीजों से बात खाली नहीं होगी, या तो वह फर्ज रोजे की तरह से होगा सवाब में, या तो वो सुन्नत रोजा होगा जिसमें सवाब ज्यादा हो, या तो दीगर महीनों के बनिस्बत इस रजब के महीने में रोजा रखने की फजीलत या ज्यादा सवाब समझ करके लोग रोजा रखते हो। कहा अगर इन तीनों बातों में से कोई भी एक बात होती तो हमारे नबी ने जरूर उसको रखा होता, सहाबा को बताया होता और बयान कर दिया होता, लेकिन कहीं भी सही हदीस से यह बात साबित नहीं है। बल्कि तर्तुशी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इब्ने वद्दाह ने ये रिवायत की है उसी किताब के अंदर कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रजब के महीने में सवाब समझकर रोजा रखते थे या पूरे महीने का रोजा रखने की जो कोशिश करते थे, वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें जो है पीटते भी थे कि तुम बिदअत का इर्तिकाब कर रहे हो, इसलिए कि नबी ने नहीं रखा तो तुम इस रजब के महीने का रोजा खुसूसी तौर पर क्यों रखते हो। बात वाज़ह है और कहीं कोई हदीस साबित नहीं है इस रजब के महीने में रोजा की, ना किसी तारीख की खुसूसी तौर पर फजीलत इस महीने में बताई गई है। अगर फजीलत होती तो जरा गौर करें, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं किया होता या सहाबे किराम को नहीं बताया होता जो सही हदीसों में वारिद होती बात ने, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। ये चीज इस बात की दलील है कि ये रजब के महीने में रोजा रखना ये सही सुन्नत से साबित ना होने की वजह से, अगर इस महीने में रोजा रखते हुए इसकी फजीलत और इसका ज्यादा सवाब है समझते हुए रोजा रखते हैं तो यकीन माने ये बिदअत होगी और बिदअत सुन्नत के उल्टा है। सुन्नत पर अमल करने से सवाब मिलेगा, बिदअत पर अमल करने से या बिदअत के रास्ते पर चलने से सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं हासिल होगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला आप सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।